हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो थर्ड ओडीआई मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। इस मैच की मैं आपको सारी डिटेल्स एनालाइज और ड्रीम इलेवन के टीम देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, इससे पहले जो है दोनों मैच हो चुके हैं 5 मैच सीरीज़ के, दोनों में से दोनों जो है इंग्लैंड ने जीता है, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया जो है अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। जो थर्ड ओडीआई मैच होने वाला है वो नॉटिंगम में होने वाला है। और इन दोनों टीम की अगर हम लोग न्यूज़ एंड अपडेट की अगर बात करें तो इंग्लैंड के टीम में आपको शायद एक चेंजेस देखने को मिल सकता है। जो चेंजेस हो सकते हैं वो शायद इयान मॉर्गन, जो कि लगभग अराउंड 70% फिट हैं और इस मैच खेलने के चांसेस अराउंड जो इनके हैं 60% चांसेस है इयान मॉर्गन के खेलने के। तो इयान मॉर्गन अगर खेलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सैम बिलिंग को जो है यहाँ पे सीट आउट होना पड़ सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया तो दोनों में से दोनों मैच हार चुके हैं। वहीं पे उनके पास जो है ऑलराउंडर पे कोई चेंजेस करने के लिए अवेलेबल ऑप्शन नहीं है। वहीं पे बैट्समैन पे उन्होंने जो है लगभग सेम ही जाएंगी, लेकिन बॉलिंग में एक दो चेंजेस कर सकते हैं। क्या क्या चेंजेस होंगी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो बना के दे रहा हूँ जिस पे आप ए टू जेड जो है आप कैसे पिक कर सकते हो। इनकी ऑप्शन मैं आपके पास लाऊंगा। ऑफकोर्स आपके लिए विकेट कीपर पर बेटर ऑप्शन जो है जॉस बटलर होंगे। वहीं पर आप चाहें तो ग्रैंड लीग में टीम पाइन को जो है ले सकते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं बैट्समैन की, तो बैट्समैन पे मैंने यहाँ पे जो रूट को लिया है, शॉन मार्श को लिया है जो कि प्रीवियस मैच में 100 किया था। वहीं पे मैंने यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को लिया हुआ है जो कि अच्छी खासी फॉर्म में देख रहे हैं, और जेसन रॉय जिन्होंने बहुत ही अच्छे 90 रन का स्कोर किया था। मैंने इन चारों को लिया है बेस्ड ऑन हिज फॉर्म, और जो रूट एज आई नो क्लासिक प्लेयर है तो इसे लेना आपके लिए ज़रूरी है। वहीं पे बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एक्स फैक्टर के बारे में जो आपको ग्रैंड लीग विन करवा सकता है, जो कि आपको अदर्स वीडियो में नहीं मिलने वाला है। तो आप एक ऐसा टीम बना सकते हो जिस पर आप अरुण फिंच, इयान मॉर्गन को ले सकते हो, एलेक्स हेल्स ने भी अभी तक रन नहीं बनाया, एलेक्स हेल्स को ले सकते हो, जॉनी बेस्टो को ले सकते हो, और एक और जो आप किसी प्लेयर को ले सकते हो वो है डासिस वार्ड। तो आपका अराउंड जो है 5 का जो है बैट्समैन का जो बन सकता है दूसरे टीम में। तो बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की, तो मैंने यहाँ पे 3 ऑलराउंडर लिया है। मार्कस स्टोइनिस को मैंने लिया है, अस्टन एगर को लिया है, और यहाँ पे मैंने मोइन अली को लिया है। आप चाहें तो ट्रैविस हेड को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया है। तो एक टीम में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रैविस हेड और डेविस विली को जो है ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं एंड्रू टाई, आदिल रशीद, और यहाँ पे बॉलर्स की अगर बात करें एंड्रू टाई, आदिल रशीद और लियम पंकित को मैंने लिया है। आप लियम पंकित को 100% रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख ही सकते हो उन्होंने प्रीवियस मैच में इतना अच्छा पॉइंट लिया हुआ है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। वहीं पर एंड्रू टाई रहता है विकेट टेकिंग बॉलर है, तो आप उसे ज़रूर रखिएगा। वहीं पर आदिल रशीद भी बहुत ही अच्छे लेग स्पिनर हैं। वहीं पर इसके अलावा आप चाहें तो जाइली रिचर्डसन को ले सकते हैं, या फिर मार्क वुड को भी आप ट्राई कर सकते हैं। बिली स्टैनले के बहुत ही अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन जैसा कि इंग्लैंड के बैट्समैन ज़्यादा अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं तो ज़्यादातर चांसेस जो है इंग्लैंड के विनिंग के चांसेस है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे जो है उसे नहीं लिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में। सेफ एज अ सेफ के लिए मैंने ऐसे यहाँ पर जो रूट को लिया है, वाइस कैप्टन मैंने मैक्सवेल को लिया है। आप चाहें तो ग्रैंड लीग की अगर हम लोग बात करें तो ग्रैंड लीग में आप चाहें तो जॉस बटलर को एज अ कैप्टन, मोइन अली को एज अ वाइस कैप्टन ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मार्कस स्टोइनिस, अस्टन एगर को ले सकते हैं। तो ये मेरे कुछ 4 रहेंगे जो कि आपके लिए एक फैक्टर हो सकते हैं। वहीं पर आप स्मॉल लीग में जो रूड एंड ग्रैंड मैक्सवेल के साथ जा सकते हो। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।